एवरीवन वेलकम बैक टू रियल लिटरेचर एंड रैंडम वीडियोस बाय नेहा सुल्ताना। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ वर्ड्स और उनका मीनिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में अपना नेम और प्लेस बताइए और सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है पील। पील का मतलब होता है छिलना, छिलना। अब अगर आप माउस खा रहे उसको छिलते ना, छिलके खाते ना, तो वो छिलने को बोलते हैं हम पील करना। ग्राइंड यानि पीसना, कोई भी अगर फली है, कूटने के ज़माने तो चले गए, अब ग्राइंडर के ही ज़माने हैं, तो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। बारीक जो करते हैं हम हमाम दस्ते में, तो उसको हम कहते हैं ग्राइंड, पीसना। साउट यानि भुनना, फली रहती कच्ची उसको हम तवे पे रख कर भूनते हैं, नहीं गर्म करते हैं, उसका छिलका निकलता, तो उसको हम बोलते हैं साउट यानि भुनना। पोर, पोर पलटना। स्ट्रेन यानि छानना। स्लाइस यानि टुकड़ा। स्ट्रेन चाय छानते हैं हम, राइट, चाय छन्नी में छान के पीते, नहीं पत्ती आ जाएंगी बोलकर मुंह में, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे छानना। स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा। एक पीस का टुकड़ा लेते ना, एक पीस नहीं, चलिए एक केक का टुकड़ा कट करके पेस्ट्री टाइप, उसको हम बोलेंगे टुकड़ा। उसको या किसी भी चीज़ का, खाने का बिकने वाला नहीं, वो तो बाइट हो जाएगा, राइट, हाँ टुकड़ा। स्टिर यानी के घोलना। पानी में नींबू मिलाते ना हम, नींबू पानी पीने के लिए शक्कर घोलते ना, उसको बोलते हैं घोलना। निड यानी घूंटना। इस स्लाइड में देखेंगे कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग को। इंग्लिश लर्निंग। बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है सिर्फ दो लोगों के बीच। अब ये वीडियो मेरे और आपके बीच में है, राइट, इसको हम बोलेंगे बिटवीन। आप व्यूअर्स हैं और मैं क्या हूँ, मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, राइट, आपके और मेरे बीच में क्या है, ये वीडियो है, ये हमारे बिटवीन में है, राइट, सिर्फ दो लोगों के बीच। बिटवीन सिर्फ दो लोगों के बीच। अमोंग दो से अधिक लोगों के बीच, ऐसी चीज़ जो दो से अधिक लोगों के बीच में होती है उसे हम बोलेंगे अमोंग। अज्यूम किसी चीज़ को मानना, अज्यूम कर लेना किसी के भी बारे में कुछ भी, ये अपना अजम्पशन रहता। प्रिज्यूम किसी चीज़ का अनुमान लगाना, ये नो ऐसे हो सकते हैं, नो वो वैसे हो सकते हैं, इसको प्रेज्यूम कर बोलते हैं। लीव जब हम छुट्टी लेते हैं, हॉलीडे लीव लेना, नहीं सॉरी, लीव यानी के अभी आज आपको वर्क ऑफिस को जाना है, अगर आप नहीं जा सकते किसी कारण, आप लीव ले लेते हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे लीव। हॉलीडे जब कंपनी छुट्टी देती है, जैसे कि संडे हॉलीडे। ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए। देखते रहिए रियल लिटरेचर एंड रैंडम वीडियोस पर नेहा सुल्ताना के चैनल को। बाय बाय।